वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ओपन कर लेना है क्रोम। तो उसमें आपने सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आपको सिंपली आपको मिल जाएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इनकी वेबसाइट है developer.android.com। तो इसको आपने क्लिक कर लेना है, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको आपने क्लिक कर देना है। इनकी वेबसाइट जो होगी एंड्रॉयड स्टूडियो की, तो वो आ जाएगी ऑफिशियली। आप डाउनलोड करेंगे, कोई पैड वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। तो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टैप कर देना है। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आपने नीचे चले आना है। तो यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आएगा, आई हैव रीड एंड एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इनकी पॉलिसीज में। वैसे पाकिस्तानी अपन कहाँ पढ़ते हैं, तो इस बॉक्स को जस्ट चेक कर लेना है और यहाँ पर ग्रीन बटन को क्लिक कर लेना है, तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है कितना फास्ट है। अगर फास्ट होगा तो ये जल्दी हो जाएगा, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर 7 मिनट्स बता रहा है। 913 MB की फाइल है, तो मैं फिलहाल मैं इसे पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड है। तो मैं डाउनलोड्स में यहाँ पर मेरे पास आ गया है, इसको जस्ट ओके इसको टैप करना है, डबल क्लिक करना है और इसे ओपन कर देना है। और उसके बाद जो है इसकी इतनी खास कोई इसकी सेटिंग्स नहीं होती, बस आपको थोड़ी सी इसको परमिशन वगैरह देनी पड़ती है आगे जाके। और यहाँ पे यस टैप कर देना है, एडमिनिस्ट्रेटर से ऑन हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस अगर आपको चाहिए, अगर आपका पीसी हैवी है तो आप वर्चुअल डिवाइस को चेक कर दें, अगर नहीं है, अगर आप आपके पास 8 GB रैम तक है तो आप फिर भी नहीं चला सकते। अगर आपके पास 8 से अबव रैम है तो आप जो है चला सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस चला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास 16 GB है या इतनी इतनी है या उससे अबव है, तो आप इसको चेक कर दें। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी आप चला सकते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो उसको उसी कंप्यूटर में ही अपनी डिवाइस बना के उसी में आप उसको रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, मुझे चाहिए ये डिवाइस, तो इसको चेक करके नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसने डिफ़ॉल्ट लोकेशन दे दी है, नेक्स्ट कर देते हैं, इसको फिर से इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये यहाँ पर इंस्टॉलिंग होना शुरू हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद भी इसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है, डाउनलोडिंग वगैरह होती है, उसको भी आपने देखना है। जैसा कि यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट एंड्रॉयड स्टोर को मैंने चेक कर दिया और इसको फिनिश कर देते हैं। तो एंड्रॉयड स्टोर जो है वो अपना ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, और आपके पीसी पर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट है, तो ये लोडिंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर पता है नो एंड्रॉयड SDK फाउंड, SDK इसके पास नहीं है, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर चेक कर देंगे, ये जो एंड्रॉयड SDK 422 MB का है तो ये ऑलरेडी चेक है, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये एक वार्निंग बता रहे हैं कि एंड्रॉयड SDK लोकेशन शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस। यहाँ पर वाइट स्पेस, यहाँ पर आपको वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, मतलब स्पेस है, अननोन और गेमर्स के बीच में स्पेस है। तो ये वार्निंग दे रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। दिस कॉज प्रॉब्लम्स वाइल द इंडिकेटर, तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये जो है ना, इसको आप अपने PC का नाम ऐसे रखें कि ये वाइट स्पेस ना हो, बीच में स्पेस ना हो, तो फिर आपको ये येलो वार्निंग ये नहीं बताएगा। नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से ये MBs बता रहा है कि टोटल 535 MBs हैं, तो इतने लगेगा डाउनलोडिंग में। यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है, उसके बाद फिनिश का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो इसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ये डाउनलोड लेने में इतनी टाइमिंग नहीं लगाएगा और जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग डाउनलोड पर है, लेकिन ये असल में डाउनलोडिंग कर रहा है, ये इसका ग्लिच है कुछ है, ये सही से बताता नहीं है कि अभी डाउनलोडिंग इतनी परसेंट हुई है, इतना परसेंट डाउनलोडिंग हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो लिखा हुआ है, तो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली और इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करके, या अगर फ्लटर सीख रहे हैं तो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट को क्लिक करके आप प्रोजेक्ट बना के और अपना काम कर सकते हैं।